सरकारी नौकरी करने वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। उनके लिए केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से गुड न्यूज आई है, वो ये कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम का ये बड़ा फैसला लिया है। ये स्कीम क्या है और इससे सरकारी कर्मियों को क्या मिलेगा, चलिए उस पर बात करते हैं। नई पेंशन स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी कि UPS। केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अगर 10 साल बाद आपने सरकारी नौकरी छोड़ी तो हर महीने आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नई पेंशन स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया है कि सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेज, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस UPS का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। चलिए आपको सरल शब्दों में इस स्कीम से जुड़े सारे पॉइंट समझाते हैं कि इससे सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिलेंगे और कौन इस स्कीम से जुड़ सकता है। 25 साल या उससे ज्यादा समय तक नौकरी करने वालों को पूरा फायदा मिलेगा। पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य है। इस स्कीम के तहत 25 साल की नौकरी करने वालों को बेसिक सैलरी की 50% पेंशन मिलेगी। नौकरी में रहते हुए अगर कर्मचारी का निधन होता है तो उसके परिवार या साथी को फैमिली पेंशन का 60% मिलेगा। यही नहीं, जिन लोगों ने कम से कम 10 साल की सेवा दी है उन्हें 10,000 रुपए प्रतिमाह के तौर पर पेंशन दी जाएगी। महंगाई दर के हिसाब से पेंशन बढ़ेगी भी, साथ ही कर्मचारियों को NPS और UPS में चुनने का विकल्प होगा। जो पहले से NPS चुन चुके हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर PM मोदी ने X पर लिखा, देश की प्रगति में लगे कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। UP के CM योगी आदित्यनाथ ने भी नई पेंशन स्कीम को लेकर मोदी सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभान्वित करता या युगांतरकारी निर्णय उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सुखद भविष्य की सुनिश्चितता का नया सूर्योदय लेकर आएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस स्कीम का फायदा केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को होगा और राज्य सरकारें इस स्कीम को लागू करती हैं तो कुल 90 लाख और कर्मचारियों को राहत मिलेगी।